अगर हम चलते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, तो देखो भाई ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है और इंटरेस्टेड नहीं है, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है। तो बीएससी सेकेंड ईयर का भी जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को शुरू में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर आपको जो है जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाएगा आपको। बेसिकली ये आईसी चिप्स के बारे में, आईसी और चिप के बारे में समझाता है, जितने भी कंट्रोलर्स हैं, जितने भी प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर में कैसे पिन होती हैं, प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में। तो देखो ये गेट के हिसाब से, अगर आप गेट का एग्ज़ाम आगे देने के लिए सोच रहे हैं, या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं, या अगर आप बीटेक करना चाह रहे, मतलब आप आगे एमटेक वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उस एमटेक वगैरह में भी आपका ये जो है बड़े काम का पेपर होने वाला है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री लेवल पे, तो इंडस्ट्री लेवल पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर जगह पे आपका ये पूछा जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं कंप्यूटर साइंस में, बहुत ही बेहतरीन है। और मतलब समझ लो कि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ठीक, तो जो आपका पहला सिलेबस है वो है आपका, इसमें जो है शुरू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कॉन्सेप्ट आपके मेमोरी मैपिंग वगैरह है, सिस्क रिस्क है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, सच्चाई यही है कि ये जो है हमेशा सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो है ऐसा पेपर है कि जिसको बिना पढ़े आप रह नहीं सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये पेपर आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपने किसी सीनियर से पता करोगे जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी इंडस्ट्री में है, तो दे विल सजेस्ट यू कि आप जो है आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जरूर पढ़ें। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेहतर पेपर है। अगर आगे बात करें हम, तो आगे देखते हैं अगला जो आपका पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, वो है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क तो आप जान ही रहे हो, हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जहाँ भी देखो नेटवर्किंग है। अगर आप अपने डेली लाइफ में भी देखो तो हर जगह पे आप ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ कर रहे हो, आप फ़ोन पे बात करते हो, गैजेट्स यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो, हर कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस का आजकल यूज़ कर रहा है, वाईफाई डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है। और सारी चीज़ें अगर हम इंटरनेट की तरफ देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम जुड़े हुए हैं। तो अगर यार इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए हैं और हम नेटवर्किंग को ना समझे तो ये तो बहुत ही गजब की बात है। तो बिना नेटवर्किंग समझे अगर आप आईओटी की बात करेंगे तो ये तो एक मतलब गलत है। और आज का जो जमाना है, जो कंप्यूटर साइंस जिस पे वर्क कर रहा है, वो है आपका आईओटी। और आईओटी डिवाइसेस आजकल हर जगह मार्केट में है। आप हमेशा स्मार्ट डिवाइसेस की बात करते हो, स्मार्ट फैन, स्मार्ट कूलर, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट लाइटिंग की बात करते हो, तो स्मार्ट थिंग्स की बात करोगे तो नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। और वही है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में आपका अभी तो ये जो सिलेबस है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा सिलेबस है। और अगर आप एमएससी का एग्ज़ाम देते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की अहम भूमिका है। सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। आपके सारे ओएसआई मॉडल्स हैं, ओएसआई मॉडल हो गया आपका, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, बस है, टोपोलॉजी है, मॉड्यूलेशन वगैरह हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर अप की गई हैं। आगे अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये बहुत ही काम का सिलेबस है और इसको आप इग्नोर इसको भी नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर सारे सिलेबस को तो कह रहे हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते, जी हाँ, जो सारा सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, सब कुछ पढ़ने लायक और मज़ेदार सिलेबस है। ठीक, तो अगर आपके पास मतलब आप अगर कुछ सच में सीखना चाहते हैं, तो सच में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके पास ये एक बेस्ट पेपर है, आप इसको सीख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको आपको समझना चाहिए। तो आगे के पेपर की बात करें दोस्तों, तो जो देखते हैं यार आगे का क्या है। अगला जो अपना पेपर है, थर्ड पेपर, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। और एक बात जान लो, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं,
या किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, कहीं पे आप अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, यहाँ पर जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट सिलेबस है और ये आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, जहाँ भी देखोगे तो इंटरव्यू के पर्पज से देखें या आपके गेट नेट के पर्पज से देखें, या अगर हम बात करें जो है आप कभी भी आगे कंप्यूटर साइंस में कुछ भी आगे करेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप, सबसे बड़ी बात कि डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पे यूज़ होता है, पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और मतलब बहुत ही ज़रूरी है आपके जो आगे, मतलब आप अगर MCA वगैरह करते हैं तो MCA में एक पेपर होता है डा का मतलब डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, तो वहाँ पे भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप किसी जो है अमेज़ॉन वगैरह में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, तो आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से ज़्यादातर आते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा सिलेबस है।